अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन पेशकश मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड मूवी से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लाइफ के ऊपर बनने वाली ये बेहतरीन मूवी है ये। एंड आप सब ने बोला था ये मूवी पे रिएक्शन देने के लिए, आप सब ने बोला था ये मूवी शेयर करने के लिए, हमें यूट्यूब से मिल गई मूवी मुझे ये फाइनली। एंड हम इसलिए ये आपके लिए लेके आए हैं, पेश कर रहे हैं। एंड ये उर्दू में है, सबसे बेस्ट बात ये है। एंड मैं उर्दू में ढूंढ रहा था, मेरे को मिल ही नहीं रही थी, बट फाइनली वी गॉट दिस एंड विल गोना वॉच दिस मूवी फॉर श्योर विद यू गाइज। तो चलिए मूवी के इंट्रोडक्शन सीन का आगाज करते हैं। सफर की धूल है, वरना मैं दुश्मनों से कभी अपना चेहरा नहीं छुपाता। तुम मुझे अपना दुश्मन कह रहे हो? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? यहां ना कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला। मक्का की आंख भी मैं हूं और कान भी हमजा। तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं बनी हाशिम वालों की भलाई चाहता हूं। तुम्हारी भलाई में बुराई के अलावा और कुछ नहीं। जुबान को लगाम दो हमजा। मैंने मोहम्मद और उसके मानने वालों पर पाबंदी का समझौता किया तो सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि मोहम्मद दूसरों के खुदाओं को मानने वालों को नकार कर इस शहर में चारों तरफ तहलका मचा देगा। छोड़ दो उसे। यह बुजहल हो सकता है ना। याद रहे, मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो वो अब इस शहर में नहीं रह सकता। तुम्हें कल ये शहर छोड़ना होगा सूरज डूबने से पहले। पैगंबर की तबलीग इस्लाम के पिछले 7 बरसों के दरमियान दूसरे कबीले वालों ने न सिर्फ मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई बल्कि पाक पैगंबर को जान से मारने की साजिश भी की। इस वजह से मोहम्मद और उनके मानने वालों ने मक्का छोड़ दिया और मक्का के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच अबी तालिब वादी में पनाह ली। दूसरे कबीलों ने वादी के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि मक्का से खाना, साजो सामान या कोई भी शख्स वहां तक ना पहुंच सके, जैसा कि उनके बीच समझौता हुआ था। हम मुसलमानों को हमारे परेशान भूखे बच्चों के साथ उस बंजर वादी में मुश्किलात से जूझते हुए 3 साल गुजर चुके थे।
मुबारक वक्त की पहचान है ये। उन्होंने आपकी बेटी का नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा है, आमना। आमना। प्यारे नबी ने इन खजूरों पे दुआ पढ़ी और फरमाया, इनसे माँ के दूध में कमी नहीं होगी। शुक्रिया। कुछ इंतजाम हुआ? 5 दिन सफर करके भी कोई नतीजा नहीं, जौ का एक दाना तक नहीं मिला। ताजुब है किसी कबीले ने हमारा पैसा कबूल नहीं किया। हमसे ताल्लुक तोड़ने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। फिक्र मत करो, यह अल्लाह की शोहरत है और उसके बंदों के जरिए जाने अनजाने चारों तरफ फैल रही है। प्यारे नबी ने नन्ही बच्ची के कान में कुछ कहा जिससे मेरा दिल खुश हो गया। हमारे लिए मदद आ रही है। ये उस टाइम का टाइम है ना जब बायकॉट कर दिया था एंड उनको पहाड़ी पे रहे थे। मक्का के बुजुर्गों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि मोहम्मद और उनके मानने वालों ने सारी परेशानियां कितने सब्र से झेली, और फिर मुसलमानों के सब्र की वजह से मक्का के बुजुर्गों के दरमियान ना इत्तेफाकियां बढ़ने लगी। अबू तालिब, दारुल नदवा में 10 कबीलों के सरदार आकर जमा हुए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, फौरन चलिए। पैगंबर के घर का ख्याल रखना। अली जान, खाना बट जाने के बाद पैगंबर को अकेला मत छोड़ना, उनके पास ही रहना। जी अबू जान। हजरत अबू तालिब चचा थे ना उनके? If I'm not wrong, I'm sorry अगर मैं कुछ गलत कहूँ। यहाँ मुखालिफत करने को है ही क्या जब आप सब लोग समझौता रद्द करना चाहते हैं। मुझे भी तो आप सबकी तरह अपने बनी हाशिम के रिश्तेदार याद आते हैं। मक्का मोहम्मद का खुशी से इस्तकबाल करेगा अगर बुजुर्गों की यही मर्जी है। जिस खुदा का दीदार हो उसे भुलाकर हम उस अल्लाह की इबादत करने लगेंगे जो नजर नहीं आता। क्या आप अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे? और तुम शम, क्या तुम अपनी बीवी की मोहम्मद के अल्लाह पर ईमान रखने के बाद नाफरमानी बर्दाश्त करोगे? क्या तुम औरतों के बगैर ही अपना कारवां ले जाने की हिमाकत करना चाहते हो? तो तुम्हें अपने बुजुर्गों से मुंह मोड़ना होगा। अकीदतमंदों के सारे खुदा छीन लें और कारवां के आने का इंतजार करें। पर यह बताइए, उस कारवां में आएगा कौन? और अगर बुजुर्गों का फायदा इसी में है तो यकीनन मैं आपके साथ हूं। खुशामदीद बुजुर्ग कुरैश, मक्का को आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। आइए, यहाँ के सारे बुजुर्ग आज भी सबसे ज्यादा आपका एहतराम करते हैं। इस्तकबाल अबू तालिब। वक्त बहुत कम है और मसले बहुत ज्यादा, मुख्तसर करने के लिए सबकी तरफ से मैं बात करूंगा। मक्का दिन ब दिन फैलता ही चला जा रहा है, मगर साथ ही मशहूर हस्तियां कम हो रही हैं। अभी कुछ वर्षों पहले तक इस शहर में
खदीजा जैसी अजीम कारोबारी थी। आपने कभी सोचा कि आज मोहम्मद कितने ऊंचे मुकाम पर हो सकता था? इससे ऊंचा मुकाम और क्या होगा कि उसे अल्लाह ने चुना है। अबू तालिब, इस साल मक्का आने वालों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बाकी मेहमानों से मैं आपको अलग ले आया क्योंकि एक राज है जो मैं सिर्फ आप ही को बता सकता हूँ। मेरा दिल मोहम्मद के दावत इस्लाम से रोशन हुआ है। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करने के लिए वो अबू सुफियान को कितनी रकम दे सकता है। ईमान बिकने वाली चीज नहीं होती। अगर उसे अल्लाह ने चुना है तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। हम दोस्त बन जाएंगे। हमारी इस दोस्ती की खुशबू से पूरा मक्का महक उठेगा। मगर ईमान से अपना दिल बहलाया जा सकता है, पर किसी दूसरे के मजहब में खलल नहीं डाली जा सकती। अबू तालिब, क्या इन लोगों का कोई खुदा नहीं? क्या इनके कोई रस्म रिवाज नहीं? ना आमद गई है। अगर मोहम्मद उसके अल्लाह को उसके दिल में ही रखेगा तो वो इस शहर की दौलत और बरकत का हिस्सेदार बन सकता है। और आप भी अबू तालिब, पहले की तरह अपनी अजीम शोहरत के हकदार बने रहिए और शहर का सबसे शानदार कारवां बनाइए। तुम खूब जानते हो मुझे, मुझे मक्का की दौलत का लालच मत दो, बल्कि तुम तो मुझे वो राज की बात बताओ जो कि नहीं बताई अपने हर। वो राज की बात? आइए मेरे साथ। ये था हमारा वीडियो ऑन सो गाइस, ये था हमारा वीडियो ऑन मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लाइफ के ऊपर बनने वाली ये बेहतरीन मूवी, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड वाकया चल रहा है, आई थिंक बहुत कुछ अभी आगे देखने हमें मिलेगा, सीखने समझने मिलेगा। अभी तक थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं कि वो जो शख्स थे अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब के साथ, वो अबू जहल थे या फिर अबू सुफियान थे? मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। वो सरदार लग रहे हैं ना, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट स्टिल देखते हैं, अभी आगे वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट सीन जो हम लेके आएंगे कल, तो उसमें हमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।